दोनों राज्य अपने भरा के तैयार। तो बहुत से भाई पूछते हैं भाई इसका इंजन कराने से क्या फर्क पड़ा। भीड़ भड़ाका में टकरा जाता है नहीं, वो सिंगल में ड्राइवर अच्छी करता है। ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से जमीन डालने में बहुत लेट हो रहा है और यह मशीन चालू ही नहीं हो रही है। बेचारी लेबर इंतजार कर रही, आप चालू होए। अरे इतना अंदर मत पता निकालने में एक हाथा को माँ तो फोड़ देनी। तो हेलो भाई, मैं विवेक और आज तीसरे दिन में भी आप मेरे को सेम शर्ट में देख रहे होंगे। उसका कारण ये है कि मेरा पहले तो कैमरा भी गंदा है, चलो बाद में साफ करूँगा। अभी भाई अपने पास इतना टाइम ही नहीं है, इतना सा गिट्टी का अपना स्टॉक था। अब यहाँ भी ज़मीन डलेगी, वहाँ भी ज़मीन डलेगी तो गिट्टी कम पड़ जाएगी। अब गिट्टी कम पड़ जाएगी तो मैं जा रहा हूँ भाई गिट्टी लेने दोनों ट्रैक्टरों से, वो भी जाएगा ये भी जाएगा। और देखो आगे प्रेम भैया कूटता जा रहा, पीछे पीछे सरिया बनता जा रहा, इतना फास्ट काम चल रहा है मत पूछो। और इधर ज़मीन डल रही, सारा काम एक साथ ले भाई। डीजल मतलब रोज़ किसी ना किसी ट्रैक्टर में डीजल डालना ही पड़ रहा। परसों डाला था 735 में, फिर डाला कल फीगो में, फीगो भी यहाँ नहीं है, अब डाला इसमें, आज इसमें डालना पड़ेगा। सुबह से मशीन में डाल दिया, डीजल लग रहा। पर बेलर से ये तो भाई देखो बार बार पेट्रोल पंप नहीं दौड़ना पड़ता। भाई साहब इसमें हमने डीजल डाल लिया, थोड़ा सा खाली छोड़ दिया क्योंकि चाचा जी आ गए थे और वो फिर हमें बातें सुनाने लगे कि तुम जब कहीं जाओ तब तुम्हें याद आए कि इनमें डीजल नहीं है। तो मैंने कहा चलो फटाफट से गिट्टी लेने चलते। और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं नंदलाल जी और इधर सोहेल, इन्होंने भाई बजरी भरने का ठेका लिया था। तुम तो ठेकेदार पास गए ही नहीं आज, मना कर दिया, छुट्टी ले ली आज। आज भाई साहब ये ठेकेदार पास नहीं गए तो आज मैंने सोचा चलो तुम्हें भी घुमा लाता हूँ। ये बोले हम भी चलो, मैं कहा चलो घूम के आएंगे। बढ़िया मस्त ऐसा मौसम, ऐसा मौसम में घूमना मजा आए जी। हाँ जब ही तो चल रहा, सोनू तो गया आगे। ले भाई साहब हम भी पहुंच गए हमारी पूरी टीम के साथ। चलो भैया तगारी फाड़ा उठाओ और भरो, आओ चलो चलो। एक ही पहले से लगा है कोई का ट्रैक्टर। मजा आ गया, यूं लगता बड़ा बढ़िया प्यारा है यार, जंगल तो टायरों की खदान भी है। आई रो सुनो वो डोजर, आई रो डोजर डोजर आई रो डोजर डोजर। अब इसकी बारी, 35 तो भरा गया कंप्लीट। ये मशीन बड़ी ताकतवर होगी यार। दोनों राज्य अपने भरा के तैयार, बस इसकी ट्रॉली देखो पीछे खाली रह गई, तो ये फुल भर के आएगा और मैं इसको लेके निकल रहा हूँ क्योंकि घर भी चलना है, घर भी कभी भी ट्रैक्टर की जरूरत पड़ सकती है। वैसे सामान तो अपना पर्याप्त है बट फिर भी कहीं मशीन लाना कुछ करना। नंदलाल मनोज मैं जा रही हूँ, तुम ये ट्रैक्टर पर आ जाओ। चलो जैसे भाई अपन ने इसका इंजन करवाया तो बहुत से भाई पूछते हैं भाई इसका इंजन कराने से क्या फ़र्क पड़ा। भाई बिल्कुल पड़ा। अब देखो ये 4 नंबर में चल रहा है, बिल्कुल धीरा भी है, ब्रेकर भी है सामने, ब्रेकर देखो मैं कितने आराम से कूदूंगा और वापस उठाऊंगा ये उठने लग जाएगा। पहले ऐसा भाई दवा सा फील होता था, ठीक है। अब ये देखो ये मैंने क्लच छोड़ा, ये धुआं मारा और चलने लगा, कोई झटका नहीं कोई कुछ नहीं। ये तो भाई फ़र्क तो पड़ा, पहले ट्रॉली में भी ऐसा लग रहा था जब हाथ चढ़ता था ना तब ऐसा लगता था कि दब रहा है, बट अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इतने ब्रेकर इतनी गिट्टी ख़त्म कर दी रहे इन्होंने बहुत सारी और ज़मीन भी डाल दी। अभी वो एक और आएगा नहीं ट्रैक्टर। ये देखो इतनी ज़मीन डल गई, राधे श्याम भाई को नीचे उतार है नहीं। आप पंडित जी इन पे क्या होगा पेंटिंग? पेंटर साहब ये उतर गए। ले राधे श्याम देख तो थारी, जब तो बाड़ी आड़ी बनेगी, सोले का डोला जब तो बनेगा, होलतन को पानी मगरी का है भजन, भजन है नहीं तो।
काफी हल्का वजन है ना, इतना वजन नहीं लग रहा। इतना वजन कहाँ पता चल रहा है इतना बड़े शरीर में। इन पे होगी भाई साहब पेंटिंग, डेंटिंग पेंटिंग। इनका नीचे पंडित जी एक एक ईंट रख देंगे है नी, या साइड बढ़िया। और उधर देखोगे तो वो छड़ी बांध रहे, वो देखो छड़ी बंद गई, यो देखो सरिया बंद गया, मतलब इस पे भी जमीन डल जाएगी, उस पे तो आधी डल गई होगी उस पे। देखते हैं उधर चल के। हैवी ड्राइवर भरी ट्राली को न जाना कहाँ घूम रही हो। अच्छा उधर डालेगा, एक यहाँ डाल दी एक यहाँ। हमारे ठेकेदार साहब नहीं मान रहे ना, बोले यहाँ डला दो यहाँ से फटाफट काम हो जाएगा। मन को ठीक ही है, यो भी कहीं यहीं खाली कर दे वहाँ भक्त तेरी ऐसी की तैसी। बीच सेंटर यो है, आंध पीछे तो आंध पीछे आंध भाई अरे पूरा ट्रैक्टर का अशोक अब से घुमाया जैसे कर... आगे जाइए ना फिर आंध नहीं सीधो जरा सीधा आंध सीधो आंध सीधो हैंडल मत मोड़ तिरछा में थोड़ी ना आएगा वो गड़े ही रहो यहाँ आंध जान 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 राधेश्याम ये जब ये ट्रैक्टर का जरा इधर लगानू है तू बढ़ जाया कर ध्यान रखें अगर कहूँ मैं लग ही दूंगा भीड़ भड़कता में टकरा जाता है नहीं वो सिंगल में ड्राइव बड़ी अच्छी करता है। अच्छा अच्छा इतनी भीड़ देखकर घबरा ही रहो वो। सही सही बच्चों है अभी ये देखो यहीं से लूटा मारी चालू है ना नाबालिग है सही नाबालिग वाला केस। ये देखो इतनी जमीन डल भी गई हो ये देखो सेवा भाव राधे श्याम जी में भी है। राधे श्याम जी अपने सेवा भाव का प्रकट कर रहे हैं। ये कौन है ये शायद वो पाइपलाइन फिटिंग चप्पल पहनूं वो पंडित जी कलर पोतरा उनके चाहिए पन्नी हाथ में पन्नी पहन के कलर करेंगे ले ओ या हाथ में पहनाएगी कि नहीं देखो तो पिलाई एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए तो लाया था पर तुमने उपयोग ही नहीं करे वो को ले हुई गया यार पंडित जी झका झक दिखाएगा सही साल्टी है नहीं तो जंग मत हाँ इधर थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है यहाँ से ठीक है। हाँ 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 वही है मैं सोच रहा था पंडित जी की नहाऊं पर फिर काम लगा दिया नहीं नहानू काम है जब है नहीं ये तो तुमने मेरी पोल खोल दी उसको लेके चलना था कोई बात नहीं मार्केट में जाना पर इसी को ले चलता चढ़ो मेरे राजे बस भैया जरा कभी भी चल रहा पंडित ये दोनों हम तो अपना अच्छा मिल गया बड़ा लंबा चौड़ा कूद का कहीं ले भली हूँ मैं भाई साहब मैं नहा लिया पीछे काम चल रहा है अभी मेरे को फिर से गिट्टी लेने जाना और मम्मी के तो काला काला हो गया मैंने कहा इतनी हवा में घूमेंगे तो काला तो होएंगे इधर पंडित जी बेचारे लगे हैं अपने काम में और मैं जा रहा हूँ गिट्टी लेने कहाँ काला हो गया यार मैं खत्म पिक्चर खत्म है नहीं बहुत सारो बाकी भाई हाँ ठंड में घूम घूम के काला तो हो गया मैं इधर जाना उधर जाना या तो काम देख लो या काला देख लो छोरी होता तो मैं वही पाउडर लगा के आता फिर ब्लॉग बनाता पर मैं छोरा हूँ तो मैं और मेरे को आदत भी नहीं ऐसे चेहरे पे कुछ लगाने की इसलिए काला तो हो गया जो काम ख़त्म हो जाए इसके बाद में फिर गोरा हो जाएंगे। ये भी आ गई भाई देखो होता होता इसके ऊपर नमामि देवी नर्मदा नर्मदा नहीं नमामि देवी नर्मदे और पीछे यूट्यूब का लोगो पटेल फार्मिंग में लगवाऊँगा है ये कब से कब बोला था मैंने तुमको आज तक नहीं लगवा पाया और 735 पे भी तो लिखवाना था ओल्ड वेपन वो भी नहीं लिखवा पाया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है गलती है कि भाई समय ही नहीं है मैं कब लिखवाऊँ थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो उस टाइम में मैं एडिटिंग करता हूँ और आराम करता हूँ। नंदलाल कहाँ जाए भाई मैं आया थोड़ा मतलब घर से बाहर निकला और फिर बाहर निकलते ही मैंने देखे ये दो शख्स मैंने कहा तुम मेरे साथ सुबह भी थे इसलिए तुम मेरे साथ अभी भी चलोगे तो इन दोनों को मैं ले आया। नंदलाल जी कैसा फील हो रहा है आपको इस ट्रैक्टर पे बैठ के बहुत मज़ा आ रहा है तू तो महाराज का ये बता जाता टाइम तू यो ट्रैक्टर पे गए थे आता टाइम 735 पे आयो वो दोनों दो ही मसा पटना पे पटना में कौन सा में मजा आए ऑटो बचपन में ज़्यादा मजा आए सही है यो रेड हट गया
मौसम देखते चलो, पेड़ पौधे देख रहा, छोरा बदमाश है। 725 जिसमें मजा नहीं आता इसमें मजा आता है। अभी अगर बारिश होती नहीं या फिर धूप तगड़ी होती तो तू बोलता भाई इसमें मजा नहीं आता 725 में बैठाओ, पानी में तो जरूर बोलता। कोई का मैसेज आ गया, देख लू जरा फिर मिलता हूँ। अभी पहुंच जाऊंगा जल्दी जल्दी। टेम्पो वाला सोच रहा था कि मैंने लाइट चालू कर दिया तो रेड हल्क उधर ही रुक जाएगा। अब टेम्पो वाले को क्या बताऊं भाई, तेरे से ज़्यादा काम इसके पास है यार, हमारी ज़मीन डल रही घर ना। तो हमने भाई वो रोड छोड़ दिया, पहले हम रोड से जाते थे लेकिन मेरे को यहाँ से शॉर्टकट रास्ता दिखा, और तुम्हें पता ही है मैं शॉर्टकट रास्ते के कितना शौकीन हूँ, तो भाई मैंने डाल दिया इसे ऑफ रोडिंग में। तो यहाँ से निकल तो जाएगा, हालाँकि यो भी जाई तो गाँव तरफ ही रहा, यो वाला जो गाँव है ना सारसूद हमारे वहाँ से है 15-16 किलोमीटर तो होगा भाई, सिराली से अपनी 15-16 किलोमीटर। तो यहाँ से ला रहा हूँ मैं गिट्टी, और यो कैसा रास्ता है, ये क्या है, ये कैसे रास्ता है यार। वो वहाँ जाना, वो दिख रही गिट्टी खदान, वो दिख रही। प्रोग्राम चालू, ये ट्राली करवाते हैं भाई फुल, और फिर इसको लेके चलते हैं घर। भाई साहब गिट्टी कर ली फुल, ये देखो, और अब हो चुकी है भाई थोड़ी थोड़ी काम, और इधर का मौसम भी बहुत मस्त है। अभी मैं पहुंचता हूँ घर फटाफट से, फिर दिखाता हूँ आपको। आज मेरे को ऐसा लगता है जमीन डालते डालते भाई काफ़ी अंधेरा हो जाएगा, ऐसा लगता है काम तो हो गया अंधेरा भी हो जाएगा। चलो घर मिलते हैं। इधर की तो भाई डल गई लगभग, और एक ट्राली गिट्टी अपन ने और नलिनी की पैया वहाँ खाली कर दी, अब रेत कम पड़ गई। यो इधर तो डलना काम स्टार्ट ही हुआ, अब रेत कम पड़ गई तो मैं रेत लेने जा रहा हूँ। रेत लेने। एक ट्राली रेत भी ले आते, प्रेम भैया को बैठा लिया, रेत लेने के बाद फिर आता हूँ, फिर दिखाता हूँ। अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, जल्दी करूँ। तो भाई रेत तो भरा गई, पूरी टीम भी बैठ गई, बट दिक्कत यो है कि इसको घुमाए कहाँ से, मतलब ये रोड दिखाऊँ तुम्हें, एक मिनट। यो देखो छोटा सा रोड है, इसमें अगर नीचे हमने उतारी कहीं भी तो ट्राली दब सकती है, इसलिए हम इसको रिवर्स ले जाएंगे थोड़ी दूर तक, फिर कहीं से अच्छी जगह देख के घुमाएंगे। एक तो रेत में इसमें वजन भी होता है बालू में। फिर से हमने घुमाया भाई बहा के, पूरे लोग निकल के देखने लगे क्या हुआ, क्योंकि ट्राली दब रही थी, मैंने फुल रेस मारी। और मगर चलो नयो इंजन का सामान डलाया, अभी काम आ रहे हैं। इधर बेचारा यो बार लाइट इसको लगा दिया, और धूल ही धूल है रे, और ये भग भग के डाल रही है, देखो बिल्कुल मस्ती में काम चल रहा है ये प्रेम भैया, बिल्कुल मस्ती में। और इधर कितना हो गया यार, इधर 735 बार लाइट दिखा रहा, ये लो हो जाएगा एक डेढ़ घंटे में, नहीं होएगा शायद सुनो, डेढ़ एक घंटा में हो जाएगा, नहीं होगा डेढ़ एक घंटा में होगा, नहीं होगा, नौ बज जाएगी, नौ One hour later. सबसे पहले समय देखो कितने 8 बज गई, और अभी जैसे ही मैं गेट खोलूंगा ना भाई, काम अभी सुबह 8 से अभी भी चल ही रहा है। मतलब अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा था तो मेरे को समय लग गया, अब मैंने वीडियो सारी अपलोड कर दी, अब आपको दिखाता हूँ भाई बाहर का माहौल। ये देखो बाहर का माहौल, एक मिनट फ्लैश चालू करना पड़ेगा। ये देखो 735 उधर टाँच बता रहा, इधर ये काम, उधर ये 855 में से रेत उतर रही, और इधर इतना सावर रहा। मतलब भाई बेचारे आज दोनों ट्रैक्टर ने इतना काम कर दिया, मत पूछो, रात में भी उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही, और ये बेचारी गाड़ी बाहर खड़ी,
एक बात मतलब जो ऐसे किसान होता है ना भाई, उसको इनसे कम लगाव रहता है, उसको सबसे ज़्यादा लगाव रहेगा अपने ट्रैक्टर को। क्योंकि देखो तो मैं कारण बताता हूँ, हालांकि भाई यो भी अपनी जगह ठीक है, यो भी अपना काम करती है, अपने को लेके जाती है, सारी चीज़ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। बट जब बात आती है ट्रैक्टरों की, यो भाई खेत में भी काम करता है, यहाँ पर अभी काम चल रहा, यहाँ भी काम करेगा, अब बेचारा लाइट भी बता रहा, वो देखो 735 लाइट बता रहा, सीमेंट मतलब ट्रैक्टर की, तो भाई ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर ही यार, सारा काम करता है, ऑलराउंडर चीज़ है। पंडित जी भी घूम रहे, पंडित जी भी ऑलराउंडर है भाई साहब हमारे, यहाँ पे सराली में साई मंदिर है ना, वहाँ पे आपको पंडित जी मिल जाएंगे, वहाँ पे पंडित जी जाते हैं, बाकी समय अपने साथ रहते हैं क्योंकि मज़ा आती है। पंडित जी कितनी देर की और फिल्म बाकी है? अभी है नहीं यार, है आधा घंटा लगा, आधा घंटा की पिक्चर हो रही है। A few moments later. सारा सिस्टम हो गया अपना ख़त्म, कर दिया डन। उधर वाला तो पहले ही कर दिया था, अगर समय की बात की जाए तो घड़ी भी स्विच ऑफ हो गई। एक मिनट, अपने पास दूसरा फ़ोन है, वो कब काम में आएगा? 9:15 हो गए और 735 गया भाई अपना वो छोड़ने, मशीन जो अपनी यहाँ पे चल रही थी ना, वो मशीन भाई छोड़ने गया। बाकी भाई आज की इस वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अगर आप पसंद आए आपको तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो जो मर्जी सारा कुछ कर सकते हो। मैं तो भाई इसके लाइट वाइट बंद करूँगा और बढ़िया भाई सोने जा रहा हूँ, आप भी सभी भाई सो जाओ, गुड नाइट, बाय बाय, जय राम जी।